हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। रियल ब्लॉग्स कंचन में आप सभी का स्वागत है। अभी समय हुआ है 10:30 और हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं तो वो तो आप लोग को वहीं पर जाके पता चलेगा। लेकिन अभी इतना बता दे रहे हैं कि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत खुशी की भी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी भी तैयार है और हम दोनों चल रहे हैं बाहर। नहीं, खाएंगे। चलिए वीडियो पे बने रहिए और वहाँ पे जो भी होगा सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे। और आज वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बहुत कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रीजन भी पता चल जाएगा। ये गिरा हुआ है, लेट होने से। चलिए ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं, लेट हो रहा है। तो बैग वैग लेकर के तैयार हो चुके हैं। ड्राइवर साहब, ड्राइवर जी लेके जा रहे हैं हमको घुमाने। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम आए हैं यहाँ पे भाभी के यहाँ, मतलब भैया के पास। तो ये है भैया का क्वार्टर, जो उनको बिजली ऑफिस से के तरफ से मिला हुआ है। मतलब ये बिजली कॉलोनी है यहाँ पे पूरा बना हुआ, क्योंकि मेरे भैया जो हैं वो बिजली ऑफिस में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनका, तो वहीं पे उनको क्वार्टर मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आगे में खूब अच्छा सा मतलब गार्डन बनाए हुए हैं, और क्योंकि आगे भी जगह दिया हुआ है और पीछे भी जगह दिया हुआ है, तो इधर कार रखने का जगह बनाया, उधर फूल पत्ती साग सब्जी लगाया हुआ थोड़ा बहुत। और ये है रूम भाभी का, एक और रूम है, दो रूम है और किचन बाथरूम सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, ये है LIC ऑफिस। तो हम लोग अभी LIC ऑफिस पहुँचे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग LIC ऑफिस क्यों आए हैं। तो यहीं पे मेरा काम होता है, हम LIC ऑफिस में ही काम करते हैं, क्योंकि हम हैं LIC के एजेंट। तो हम पॉलिसी जो है वो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम वही पॉलिसी जमा करवाने आए हैं। तो उन्हीं का जो भी पॉलिसी जमा करने से पहले जो भी प्रोसेस होता है तो वो हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ आए हैं, क्योंकि दूर पड़ता है थोड़ा, तो अकेले नहीं जा सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ है वीडियो में, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग का काम हो गया है, जो काम के लिए आए थे, और जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा ही हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं, बस पैसा पेमेंट करना है, पैसा पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये है BM सर, मतलब यहाँ के LIC ऑफिस के ब्रांच मैनेजर। तो अभी मुझे यही सम्मानित करेंगे, तो मुझे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है मेरे लाइफ का। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, और देखिए रात हो गई है, पूरा अंधेरा हो गया है, और बाहर बारिश भी हुई है। अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन बारिश हो गया था। LIC ऑफिस से डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ भैया के पास आए हैं, मिठाई लेकर के सभी का मुंह मीठा कराने। और मुझे जो जो गिफ्ट मिला है तो वो गिफ्ट भी अभी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मुंह मीठा करवा देते हैं सभी का। तो यहाँ पे हम लोग मुंह मीठा करके अपना खुशी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि मेरे लिए ये सच में बहुत बड़ा दिन है। एक हाउस वाइफ को कोई पहचान नहीं मिलती है, लेकिन आज मुझे मेरे पहचान से सम्मानित किया गया है, मेरे नाम से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इनमें सभी का सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है, मेरे भैया, भाभी, भाभी का भाई राजा, जो ये सामने अभी बैठे हुए हैं, तो ये छोटी भाभी का भाई है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। सभी के बदौलत मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। सम्मानित भले ही मुझे किया गया है, लेकिन इसका क्रेडिट सभी को जाता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी मेरे अपने इतना सपोर्ट किए हैं मुझे। तो यहाँ पे देखिए, सभी बोल रहे हैं पहले अपना गिफ्ट खोल के दिखाइए, सभी खुश हैं। कप मिला है, इसमें LIC का लोगो बना हुआ है, तो बहुत खुशी हो रही थी। और एक कप नहीं, दो दो कप मिला हुआ है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे ये कॉफ़ी मग है, इसमें कॉफ़ी पियेंगे। सच में बहुत अच्छा क्वालिटी है कप का भी, और पर्स सब का भी, बैग भी।
बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा मिला है। यहाँ पे देखिए ये है LIC का 2 बैग जिसमें LIC का लोगो बना हुआ है, और ये बैग भी बहुत वाटरप्रूफ बैग है, तो इसमें आप कोई भी मतलब पेपर सब या कोई भी कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। और इसमें भी देखिए ये भी बैग जो है, ये भी बैग बहुत मजबूत है ऊपर से भी और अंदर से भी, आप लोग इसका क्वालिटी देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे भाभी खाना बनाई है, तो अभी हम लोग खाना खा के तब जाएंगे, क्योंकि आज पता है पूरे दिन मतलब मेरे हस्बैंड जी सुबह से भूखे हैं, सुबह सिर्फ सत्तू पिए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाए हैं, क्योंकि आज था लास्ट दिन, आज था लास्ट डेट और कल है छुट्टी, तो फिर कल हो नहीं पाता, तो इसके लिए मतलब आज ही करना था, तो हम लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए कोई भी नहीं खाया। और यहाँ पे देखिए ये है भाभी का किचन, अभी हम लोग आए हैं, मतलब हम आए हैं सिर्फ किचन में, तो भाभी बोल रही आप बैठिए हम खाना लगा रहे हैं, तो हम बोले कि ठीक है हम भी थोड़ा सा सूट कर ले रहे, बोले किचन बिल्कुल अच्छा नहीं, बोले कितना अच्छा तो है, सब कुछ अच्छा है, आप जो क्वार्टर है तो क्वार्टर जैसा ही रहेगा, क्योंकि बहुत पुराना घर बना हुआ रहता है, नया घर तो रहता नहीं है, बहुत पहले से घर बना हुआ रहता है, लेकिन सब कुछ तब भी बहुत अच्छा है। तो भाभी पहले मतलब टेबल पे रख के खाना बनाती थी, लेकिन अब नीचे में ही खाना बनाती है, बोलती है आराम होता है सब कुछ करने में। तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाई है, आलू और सोयाबीन, उसमें पनीर भी डाली हुई है, और यहाँ पे खीर बनाई है, पूरी बनाई है, तो भाभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया आज हम लोग की वजह से, तो हम लोग कुछ नहीं खाए थे इसलिए भाभी सोचे खाना बना के रखते हैं, सभी भूखे हैं। प्रिंसु डांस करके दिखा, डांस करके दिखा, तेरा भूलो, डांस करके दिखा बेटा, करो डांस, डांस कर, डांस करो, डांस कर प्रिंसु, उस पे बात कूदो, उस पे से गिर जाओगी, इस पे कूदो, इस पे हम चेक कर लेते हैं, अगर उसमें पता चल जाएगा तब तो वही क्लियर हो जाएगा, देख का मतलब है कौन सा गाना पे काटा लगा, उस पे मत कूदो, उस पे से गिर जाओगी। हम लोग भी अभी खाना खा करके निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, फिर घर पे भी जाके देखते हैं, बच्चे सब वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और आदित्य तो आज मतलब रोते रोते सो गया, स्कूल से आया तो मुझे नहीं देखा, तो वो रोते रोते ही सो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं, ये कचौरी है, पूरी नहीं, इसमें सब कुछ डाला हुआ है, अजवाइन सब, नमक सब, तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, और मूली है सलाद में, तो खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, और भूखे थे हम लोग, मुझे तो डर भी हो रहा था कहीं सर में दर्द वर्द ना हो जाए गैस वैस बनने से। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप लोग को भी बहुत खुशी हुई होगी, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रिंसि बाय करो, प्रिंसि बाय करो, बाय करो, बाय बाय करो, इसको उसको छोड़ देंगे, बोलो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बोलो बोलो बोलो, बाय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मुंह मेरा करिया लग रहा है, वो क्या आटा लग गया।